मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की है और चार जिलों के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए चुनावी रैली करते हुए सीधे कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस नेताओं के मां को लिए गए बयान पर भी सीधा निशाना साधते हुए पलटवार पीएम मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छतरपुर में चुनावी रैली की है जहां पर छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दमोह के इन चार जिलों के बीजेपी प्रत्याशियों के लिए ये चुनावी सभा की है। ऐसे में सीधे हमलावर हुए पीएम मोदी, उन्होंने कहा है कि चार पीढ़ी पर चाय वाले के चार साल भारी पड़ गए। मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं, जिस मां को राजनीति का रह मालूम नहीं, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए कांग्रेस के लोग। मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं, और आप यहां तक पहुंच गए। मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। करते हैं क्या? कांग्रेस को शोभा देता है क्या? उनके नेता को शोभा देता है क्या? मैं सभी माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़बा तोड़ जवाब माताओं बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत ना करें। और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? भाई बच पाएगी? और मैं तो हैरान हूं, वो सिर्फ मोदी को नहीं, हमारे शिवराज जी को भी न जाने क्या क्या गालियां देते हैं। वो तो नामदार है, हम कामदार है, और नामदार को तो किसी को भी गाली देने का हक होता है जी। नामदार को कोई टेलीफोन आ जाए, बात करने में लंबी बात चल जाए और रखी हुई चाय ठंडी हो जाए, तो भी नामदार गाली कामदार को देता है कि चाय ठंडी क्यों लाया। अरे भाई नामदार, तुम टेलीफोन पर बैठे थे, उसमें चाय ठंडी हो गई, लेकिन गाली कामदार को पड़ती है। पाप नामदार करते हैं, गुनाह नामदार करते हैं, गाली हम कामदार खाते हैं मेरे भाइयों बहनों। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीएम मोदी ने यह बयान उसके बाद दिया है जब कांग्रेस नेता राज बब्बर ने इंदौर में चुनावी सभा में यह बयान दिया था। वो बयान भी आप सुनिए। आज मैं कहूंगा प्रधानमंत्री महोदय, कम से कम अपनी सभा अपनी आवाज को सुन लो, इतने से ईमानदारी बरत लो कि तुम्ही ने कहा था कि वो तो किस्मत थे। अरे तुम तो महामनहूस निकले कि तुम्हारे समाज में आज डीजल पेट्रोल का क्या हालात। हम तो ये कहना चाहेंगे कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आज का दिन। छतरपुर में अपनी चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को मामा कहे जाने पर भी दर्द होने की बात कांग्रेस के लिए कही है, लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने क्वात्रो की और एंडरसन मामा को कांग्रेस को पहले याद कर लेना चाहिए।
पुरातन इतिहास कथाएं, लोक कथाएं, उसमें से उनके जितने भी मामा जानकार है, क्योंकि लोग अपने अपनों को जानते हैं, जो उनके हैं उनको वो जानते हैं, जो हमारे हैं उनको हम जानते हैं, ऐसे ऐसे मामाओं का नाम निकाला और शिवराज जी को मामा कहते हैं तो उन्होंने द्वापर युग के कंस मामा को याद कर दिया, उन्होंने शकुनी मामा को याद कर दिया। अरे राजे महाराजे, अरे नामदार, आप शिवराज जी को मामा लोग कहते हैं उससे परेशान है और ऐसे ऐसे मामा को याद करते हो, अच्छा होता अगर आप क्वत्रोची मामा को भी जरा याद कर लेते, जिसके लिए आपने घर के दरवाजे खोल के रखे थे, जिन्होंने आपके लिए आपने हिंदुस्तान के सुरक्षा के धन को लुटाने के परमिट दे दिए थे, बोफोर्स का कांड कर दिया था, वो आपके मामा क्वत्रोची याद क्यों नहीं आए? आप मामा शिवराज जी को गाली देने से पहले जरा आपके मामा को भी तो याद कर लो, जो मामा क्वत्रोची और दूसरे मामा अंडरसन, बताइए मामा अंडरसन, भोपाल गैस कांड के गुनहगार और ये नामदार के पिताजी की सरकार थी, स्पेशल हवाई जहाज में उनको अमेरिका पहुंचा दिया गया था, भोपाल में गैस पीड़ित उस हजारों लोगों को मौत के गुनहगार, उसको चोरी छुपी से पहुंचा दिया था, अच्छा होता वो मामा अंडरसन भी तो आपको याद आता। अरे मामा क्वत्रोची और मामा अंडरसन, जिसने देश को लूटा, भोपाल की जनता को मौत के घाट उतार दिया और आप मामा शिवराज को गाली दे रहे हो। जितनी गाली मामा शिवराज को दोगे इतना ही जवाब ये भांजा और भांजिया देने वाले हैं। सियासी और चुनावी माहौल में राम मंदिर को लेकर भी अब गहमा गहमी बढ़ गई है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच रहे हैं। उद्धव ठाकरे अयोध्या के लिए निकल चुके हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे भी अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही शिवसेना के हजारों कार्यकर्ता अयोध्या पहुंच चुके हैं। स्पेशल ट्रेन से अयोध्या पहुंचे शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की है। वहीं कल अयोध्या में वीएचपी की धर्मसभा है। शिवसेना और वीएचपी के कार्यक्रम को देखते हुए अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रामलला के दर्शन को जाने से पहले ही सभी रास्तों पर कड़ा पहरा लगा दिया गया है। एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही रामलला के दर्शन की इजाजत दी जाएगी। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे अयोध्या में। अयोध्या में ही मौजूद है हमारे सहयोगी अजीत सिंह, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अजीत, जो शिवसेना के अध्यक्ष यहां पहुंचने वाले हैं उसे लेकर इतने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, आखिर किस आशंका के मद्देनजर और क्या ताजा हालात? कार्यक्रम को सफल बनाना है और जो अयोध्या की बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम बेहद पुख्ता कर दिए गए हैं। सरकार के एडीजी, आईजी और डीआईजी सब यहाँ कैंप कर रहे हैं, जो पूर्व में फैजाबाद अयोध्या में एसएसपी के तौर पर तैनात है सुभाष सिंह बघेल जैसे अधिकारियों को भी यहाँ भेजा गया है, क्योंकि भीड़ जैसे जैसे बढ़ रही है प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें भी बढ़ रही हैं। हम जहाँ खड़े हैं राम किला को मैदान है, जहाँ पर थोड़ी देर बाद उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे पहुंचेंगे, यही सम्मान समारोह और आशीर्वाद समारोह किया जाएगा। हालांकि ये जो अभी यहाँ का जो माहौल है वो किसी जनसभा या रैली से कम नहीं है, हालांकि इसकी परमिशन नहीं है, इसका नाम दिया गया है सम्मान और आशीर्वाद समारोह। हमारे पीछे जो इलाका है प्रशांत दिखाना चाहेंगे, तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई हैं, मुकम्मल कर दी गई हैं, कुछ संत भी यहां आ चुके हैं और पूजा पाठ का पूरा इंतजाम किया जा चुका है। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे स्क्रीन पर, जो कुछ संत हैं, जो कुछ शिवसैनिक हैं उन्हें बैठाया जा रहा है और बाकायदा जो संत शामिल होने वाले हैं वो आ रहे हैं और शिवसैनिक भी धीरे धीरे, जो भीड़ है वो भी हमारे पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पर शिवसैनिक धीरे धीरे आ रहे हैं। यानी तैयारियाँ जो है एक तरीके से कहा जाए तो
पूरी मुकम्मल कर दी गई। शिवसेना के जो लोग हैं जो महाराष्ट्र से स्पेशल ट्रेन से आए हैं, आज भी कई ट्रेनें आ रही हैं, उससे लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई इलाके से लोगों को लाया गया है। यानी उद्धव ठाकरे जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो क्या बोलते हैं, क्योंकि मंच बनाया गया तो जरूर लोग भाषण देंगे। हालांकि 144 के तहत उसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े लाउड स्पीकर माइक लगाए गए हैं। यानी ये सभा आशीर्वाद सभा नहीं बल्कि जनसभा के रूप में एक बार प्रदर्शित होगी, दिखाई देगी। जो सुसैनिक हैं, जो संत हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो अयोध्या के संत हैं वो दो भागों में बट गए हैं। कुछ संत जो इनके कार्यक्रम में आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है, आरोप लगाना है कि विश्व हिंदू परिषद ने जानबूझकर कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम को कम आंकने की कोशिश की है, हमारे कार्यक्रम को छोटा दिखाने की कोशिश की है। तो लिहाजा राम मंदिर निर्माण को लेकर शिवसेना सबसे पहले आगे आई थी, बाला साहब ठाकरे आगे आए थे। तो अभी ये जो तैयारियां हैं वो लगभग लगभग पूरी हो चुकी हैं, लोग आना शुरू हो गए। अयोध्या की सड़कों पर 42 स्थानों पर बैरिकेड लगा दी गई है, राम मंदिर के आसपास आने जाने रास्तों को रोक दिया गया। फिलहाल देखना होगा कि उद्धव ठाकरे जब तक आते तब तक पूरा मैदान भर चुका होगा और आशीर्वाद सभा में क्या जनसभा में परिवर्तित हो जाती, क्योंकि भीड़ जो बढ़ रही है, माइक जो लगे हैं वो इसी इशारा कर रहे हैं। प्रधान, हमने 17 मिनट में बाबरी तोड़ दी, टाइम लगाकर 17 मिनट, जो सालों साल से वो कलंक अयोध्या को लगा था वो 17-18 मिनट में आधे घंटे में जो करना था राम भक्तों ने कर दिया। तो कागज बनाने में कितना टाइम लगा? संजय रावत उस समय कहाँ थे जब ढांचा गिर रहा था? कोई तो नहीं था, कोई नहीं था। वो तो बाद में बाल ठाकरे बनाम करके केस चला, तो बाल ठाकरे तो कभी अयोध्या आए नहीं। इस समय उद्धव जी आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं तो दर्शन करें यहाँ का, और सरकार में महाराष्ट्र में सम्मिलित हैं तो वहाँ आनंद तो उठा ही रहे हैं ना, तो कैसे होता है वो देखें। राम मंदिर के लिए देश के राष्ट्रवादी मुसलमान भी चाह रहे हैं कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने। जितना दुख हिंदुओं को होता है कि राम मंदिर इस ठंड में खुले में रह रहे हैं, उतना ही दुख देश के राष्ट्रवादी मुसलमानों को होता है। यही उनसे कहा जाएगा, इसीलिए वो आए हुए हैं, राम मंदिर का निर्माण हो इसीलिए वो शिवसेना वाले आए हैं, इसलिए वही संदेश हमारा भी है। शीघ्र मोदी जी के काल में राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। राम मंदिर के निर्माण के लिए आए हैं, इसलिए उनका कार्य सराहनीय है और हम इसलिए उनसे मिलने के लिए भी जाएंगे, वहाँ उनको आशीर्वाद भी देंगे। जो आदमी धार्मिक नियत से आ रहा है वो अपना धर्म का काम करे, हमें उसके लिए कोई इतराज नहीं है। हर आदमी को अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ जी रोजा नमाज सब करने की आयत है भाई, ठीक है। हर आदमी अपने लिए कोई ना कोई कुछ करता रहता है, वो करे, हमें उसे कोई इतराज नहीं है। सवाल जहाँ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बार बार ये कह चले हैं कि फैसला होना चाहिए, कानून भी बने हैं, फैसला करने वाले भी हिंदुस्तान के हैं, कोर्ट भी हिंदुस्तान में है, जो भी फैसला करे हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। धर्मनगरी अयोध्या में इस समय काफी सुर्खियां हैं, और क्योंकि उद्धव ठाकरे भी आ जा रहे हैं और एक सम्मान और आशीर्वाद समारोह करेंगे शिवसैनिक, महाराष्ट्र से लेकर प्रदेश के बहुत सारे लोग आ गए हैं, यहाँ संत भी आ गए हैं। आपको क्या लगता है महाराज जी कि अब राम मंदिर को लेकर शिवसेना और BSP दोनों अलग अलग राज? हाँ, शिवसेना का तो समझ में, विश्व हिंदू परिषद का तो समझ में, इसलिए विश्व हिंदू परिषद असरदार तब होती है जब भाजपा विपक्ष में होती है। भाजपा जब विपक्ष में होती है तब विश्व हिंदू परिषद ताकतवर होती है, और जब भाजपा सत्ता में होती है तो विश्व हिंदू परिषद का चलता नहीं, विश्व हिंदू परिषद फिर वही करती जो सरकार चाहती है। और ये आंदोलन जो विश्व हिंदू परिषद का धर्म संसद होने जा रहा है, ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत मन ये कहता है कि उद्धव ठाकरे जी के विकल्प में केवल किया गया, उनको नीचा दिखाने के एक तरीके से कहा जाए कि उनके कार्यक्रम को असफल बनाने की कोशिश की गई, यही वजह है कि एक दिन बाद ही BSP ने अपना कार्यक्रम रख दिया। बिल्कुल यही बात है, और पहले से इन्होंने 4 साल में, अभी तक 4.5 साल में क्यों नहीं किया? विश्व हिंदू परिषद ने 4.5 साल में कोई बात क्यों नहीं की? जब भाजपा विपक्ष में रहती विश्व हिंदू परिषद हर जगह आवाज उठाती, आज जब उद्धव ठाकरे जी आ रहे हैं तब उन्होंने अपना आयोजन रख दिया, तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं रखना। आपको भी यही लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात सही। कहाँ से आए आप? हम अयोध्या से हैं। क्या लगता है इस कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम उद्धव जी ठाकरे जी पधार रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और विश्व हिंदू परिषद की तो नीयत सभी लोगों को पता हो रही है कि वो सरकारी है, सरकार के इशारे पर ही काम करती है। देखा आपने, बहुत सारे लोग हैं, संत भी हैं, वो
दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि बीएचपी जब बीजेपी सरकार में रहती है तभी वो मजबूत होती है, विपक्ष में वो सरकारों के हिसाब से काम करती है। जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो भी बहुत सारे लोग आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? फतेहपुर से। क्या लग रहा है क्यों आए हैं? अयोध्या जी घूमने आए, मंदिर बनवाने के चक्कर में आ रहे हैं। बन जाएगा मंदिर? बन जाएगा। उद्धव जी की सभा में आए हैं जी। दादा आप कहाँ से आए? हम भी फतेहपुर से आए हैं और हर हिंदू के साथ हैं, पूरा हिंदू एकजुट होगा तभी मंदिर बन पाएगा। और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं सिर्फ अपनी राजनीति रोटी सेंकती हैं और मंदिर के लिए कोई बनाती नहीं है मंदिर, और सोचती है कि मंदिर बन जाएगा तो मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। और हम मेरा मानना है कि अगर मंदिर बनवा दे सरकार तो मुद्दे की जरूरत ही नहीं है। तो देखा आपने कि जो लोग हैं वो साफ तौर पर एक कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र आए हैं, आप बताइए उद्धव जी का कार्यक्रम होने वाला है, किस तरीके की तैयारी है? यहाँ तो पूरी तैयारी हो गई है, खाली उद्धव साहब का आना बाकी है। आने के बाद में जो कुछ है उनका कार्यक्रम हो जाएगा। शिव सैनिक बहुत बड़ी संख्या में आए हैं पूरे अयोध्या में, बड़े तैनात हुए शिव सैनिक महाराष्ट्र से इस अयोध्या में आ चुके हैं, कुछ बचे हैं वो भी आ रहे हैं, सब दोपहर तक आ जाएंगे। तो देखा आपने कि जो तैयारी है अयोध्या की वो लगभग पूरी है और उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, उसके पहले संत यहाँ पहुँच चुके हैं, संत भी दो गुटों में दिखाई दे रहे हैं। जो लोग हैं शिव सैनिक है वो आ रहे हैं अयोध्या की सड़कों पर, जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अब अगले दो दिन तक यानी आज 24 नवम्बर उद्धव ठाकरे आएंगे इस मैदान पर, धर्मसभा यहाँ सम्मान समारोह का आयोजन करेंगे। जो ये हमारे दाहिने साइड का जो हिस्सा है यहाँ जो संतों का को बैठने की जगह है वो बनाई गई, आप देख सकते हैं मतलब है गद्दी रखी गई है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से जो तैयारी है वो तैयारी एक तरीके से पूरी कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो जरूर मुकम्मल हो गई है और अब इस मैदान में उद्धव ठाकरे का सम्मान समारोह होगा, संतों से आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद सरयू आरती करेंगे और फिर रात्रि विश्राम के बाद कल रामलला के दर्शन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 अयोध्या। लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी ये पार्टी केंद्र में अपनी सरकार की विफलताओं की वजह से फिर से सत्ता में वापस आने वाली नहीं है और इस बात का एहसास खुद बीजेपी व आरएसएस तथा केंद्र में इनकी सहयोगी पार्टी खासकर शिवसेना को भी है। इसलिए अब ये पार्टी एक सोची समझी रणनीति व षड्यंत्र के तहत ही अपनी विफलताओं पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अयोध्या में पर्दे के पीछे से खासकर अपने साधु संतों आरएसएस व शिवसेना आदि को आगे करके वहां बड़े पैमाने पर राम मंदिर निर्माण कराने का अभियान चलाए हुए हैं। मैं समझता हूं जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, खासकर केवल एक जिले में फैजाबाद अयोध्या में जो इस तरह का मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट को स्वयं नोटिस लेकर के गंभीरता से विचार कर करके चाहे उन्हें फौज लगानी पड़े, फौज लगा करके वहां पर शांति और वहां के लोगों का जीवन ठीक रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग किसी सीमा तक जा सकते हैं। इसको क्या दिख रहा है मैं नहीं कह सकता, लेकिन लोगों का जो काम है आज विपक्ष का हर चीज़ में आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि उनको इससे बचना चाहिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में कौन सा अधिकार है कि हम किसी को आने और जाने से रोक सकें? कानून व्यवस्था अगर कहीं बिगड़ने की चीज़ आती है तो सरकार अपना कदम उठाती है और सरकार उस पर नियंत्रण पाने के लिए यथासंभव जो विधिक कार्रवाई है वो करती है, सरकार कर रही है। लेकिन किसी की पूजा को, किसी की अपने आस्था को हम कैसे रोकेंगे? जिस कार्यकाल में एक भी किसी प्रकार की विभिन्न धर्मों के बीच में वैमनस्यता की एक भी घटना बड़े मुश्किल से खोजने को मिलती है, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आप आशंका कैसे कर सकते हैं? 1.5 साल में आपने कहीं सांप्रदायिक दंगों का कोई उल्लेख आया है? मैं समझता हूँ शायद किसी भी रिपोर्टर के पास में कोई रिपोर्ट इस प्रकार की नहीं होगी, जैसे 1-1 साल में कुछ लोगों की जब सरकारें थीं कुछ विपक्षी दलों की, तो साल में शायद 365 दिनों में 1/3 दिन तो दंगे हुआ करते थे। तो उस चीज़ का वो उदाहरण देखकर अगर इस प्रकार की चीज़ों पर वो आरोपित करेंगे तो उचित नहीं। ना तो कोई टेंस का माहौल है,
और ना ही कोई वहाँ पर कोई भीड़ जमा हो रही है। राम भक्तों का सैलाब है, धर्म सभा है, संतों का सानिध्य है और राम जन्मभूमि का काम है। कोई टेंस करने की जरूरत तो उन लोगों को जरूर है जो लोग बार बार राम द्रोह करते हैं, जो लोग बार बार कहते हैं कि नहीं राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनना चाहिए। जो बाबर था, बाबर के सिपे सालार थे, उसके नाम पर जो ढांचा था उसके प्रति जो अपना समर्पण व्यक्त करते हैं, उससे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको तो डर लगेगा भाई इस देश के अंदर। जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तब तक कानून बनाने की बात करना एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, और जो लोग सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को खुद ऐसे आगे बढ़ करके ऐसे लोगों को तलाश करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुल्क के मुसलमान इस कानून पर, संविधान पर पूरा एतमाद रखते हैं और हमको पूरा यकीन है कि यहाँ पर इंसाफ अभी जिंदा है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं शिवसेना सांसद संजय राउत जी। संजय राउत जी, आज फिर एक बार बीजेपी सरकार पर सामना के संपादकीय में हमला किया गया है, कुंभकर्ण कहा गया है, आप बीजेपी के ऊपर हमला क्यों मानते हो? राम मंदिर निर्माण का कार्यकाल जिसने वचन दिया था, जिसने सालों साल वोट मांगे हैं, सरकार और सत्ता भी मिली है, मंदिर नहीं निर्माण हुआ, तो उनको जगाने के लिए उद्धव ठाकरे साहब अयोध्या में आ रहे हैं। हम सब लोग जाग गए, जनता जाग उठी है, अब सरकार को जागना जरूरी है और एक अध्यादेश लाकर राम मंदिर निर्माण का कार्य को गति देनी बहुत ही महत्वपूर्ण।